Hello everyone, you all are welcome to my online classes. Today topic is the French Revolution and subtopic the outbreak of the revolution. Kranti ki shuruaat. Louis XVI had to increase taxes for rich, and you have learnt in the previous section. प्रीवियस सेक्शंस में आप सब जान चुके हो कि लुई 16 को पैसे की बहुत जरूरत थी, ठीक है, फॉर टू मीट कोर्ट एक्सपेंसेस, यूनिवर्सिटी स्कूल एक्सपेंसेस, आर्मी एक्सपेंसेस के लिए. सो दैट लुई 16 कॉल अ मीटिंग ऑन 5 मई 1789 to pass proposal for new taxes. Dear student, in old region there is a norms, there was a norms. According to that, the monarchs didn't have the power to impose taxes according to his will. अपने अनुसार वह pass नहीं कर सकते. So cannot impose new taxes without the meeting of state general. So what is state general? Actually, state general was a political body to which the three states sent their representative. Okay, एक political body थी जहाँ तीनों states के लोग अपने representative को भेजते थे. But last meeting was here. Called in 1640 AD, it means 170 years ago. Okay, so now is a chance for first state, second state, and third state members for sit together for a meeting. Okay, in place of Versailles. So 300 representative. Each from first state and second state, and 600 representative from third state were assembled in the court of king. Okay, in a state general meeting. But here is peasants, artisans, and women were not allowed to enter the state general meeting. But their grievances and demands listed in 40,000 letters. लेकिन उनके grievances, शिकायतें और मांग 40,000 letters के माध्यम से third state के मेंबरों ने king के सामने रखा. So here is the norms. Voting had to be conducted the principle that each state had one vote. Each state had one vote. First state, as you know, first state sent 300 representative, but they had one vote. Second state, likewise second state. Third state sent 600 representative, but had one vote. It means first state 300 representative, second state 300 representative वो भेजे हैं, और third state 600 representative. लेकिन सभी each state have one vote. इसका मतलब है कि first state के 300 representative का जो एक leader होगा, ठीक है, वह वन वोट करेगा. सेकेंड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव का जो लीडर होगा वो एक वोट का होगा. मतलब 300 लोग के जो एक लीडर होंगे, प्रतिनिधि होंगे, वो वन वोट करेंगे. सेकेंड स्टेट में वही, थर्ड स्टेट में भले ही 600 मेंबर्स पहुंच गए हों, लेकिन उनका वोटिंग का वैल्यू वन होगा.
इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकेंड एज यू नो दे बेयर प्रिविलेज क्लास एंड दे वी आर नॉट गोइंग टू पेड एनी टैक्सेस टू द किंग एंड थर्ड स्टेट वी आर कंसिडर्ड एज अनप्रिविलेज क्लास एंड दे पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट टू फर्स्ट स्टेट एंड डिड वर्क फॉर सेकेंड स्टेट. आप पहले से ही जानते हो तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट सेक हैंड वो तो हाथ मिला लेंगे वोटिंग के समय में और वो कहेंगे कि न्यू टैक्सेस इम्पोज करना है, ठीक है आप करो 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 हैं, कोई दिक्कत नहीं है. राजा को तो वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है. तो पेड टैक्स पेड कौन करेगा? थर्ड स्टेट. तो थर्ड स्टेट के मेंबरों को पहले से ही बहुत बोझ है. दे वेयर बर्डन ऑफ टैक्सेस एंड न्यू टैक्सेस, और भी नए टैक्सेस अगर उन पर आ जाए तो उन्हें उनकी हालत तो खराब हो ही जाएगी. दैट्स व्हाई द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल. पूरा असेंबली में जो प्रेजेंट है, असेंबली एज ए होल, ईच मेंबर्स had gotten an opportunity to give to cast one vote. प्रत्येक मेंबरों को एक मौका मिलना चाहिए कि सभी जो है एक वोट देंगे. The king rejected the proposal. किंग ने कहा कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है तो इस बार भी नहीं होगा. बट एक्चुअली दैट इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. वॉट एवर रिटेन इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक में लिखी हुई है उसके अनुसार ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे थर्ड स्टेट के मेंबर, जिसे किंग ने रिजेक्टेड कर दिया. और हु रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट राइट इन माय कमेंट सेक्शन, राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके, हु रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट. दैट्स व्हाई व्हेन किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ थर्ड स्टेट द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्टिंग. मुझे वोट देने की आजादी दो, अदरवाइज हम बाहर निकलते हैं. दे व्यूड देमसेल्फ एज ए स्पोक्समैन फॉर होल फ्रेंच नेशन. अब वो अपने को प्रवक्ता कहते हैं कि मैं, हम लोग प्रतिनिधि हैं पूरे फ्रांस के लोगों का. वो जगह जगह घूम घूम के अपने को बताते हैं सिचुएशन, जो घटना घटी है स्टेट जनरल की मीटिंग में, और वो अपने को फ्रेंच के स्पोक्समैन बोलते हैं प्रवक्ता. ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड ऑफ वर्सिलेस. वो असेंबल्ड होते हैं, पर्पस वाज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली. उनका पर्पस है कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया जाए फॉर ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग होगा. इसमें दो लीडर्स हैं, मिरेबाउ एंड ही बिलोंग्स टू नोवल फैमिली. ये नोवल फैमिली से बिलोंग जरूर करते हैं बट फ्रांस में जो अराजकता है उसी ये समझते हैं और ये चाहते हैं कि इस अराजकता में परिवर्तन हो. आबेसिये अ पेरिस्ट, ये भी बिलोंग कर रहा है फर्स्ट स्टेट से, लेकिन यह जो है ये भी सब फ्रांस में जो अराजकता है, जो शोषण है, उसका खात्मा चाहते हैं. दैट्स वाई ही रोट अ पम्पलेट दैट इज व्हाट इज थर्ड स्टेट. वो बताते हैं कि थर्ड स्टेट क्या है. आप जानते हो कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स वे आर एजुकेटेड एंड प्रोस्पेरस.
धनी भी थे बाय डूइंग ट्रेड विद ओवरसीज कॉलोनी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वो प्रोस्पेरस हो गए थे और एजुकेटेड तो थे ही। तो वो जो है अब डिमांडेड, दे डिमांडेड सम राइट्स, वो राइट्स मांगेंगे ही। व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस वाज इंटरमोली। जब ये बना रहे थे, प्रारूप तैयार कर रहे थे, फ्रांस जो है आंदोलित हो रहा था। इसी बीच शिवर्स विंटर अकर्ड फ्रांस एंड दैट लेड टू द पुअर हार्वेस्ट, सो फूड क्राइसिस वेरी कॉमन इन द कंट्री। खराब कड़ाके की ठंड से प्रोडक्शन, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ा और खराब उत्पादन हुआ और इससे फूड सप्लाई जो है क्राइसिस में आ गई फ्रांस में। इसी बीच आप डियर स्टूडेंट, आप कड़ियों को जोड़ कर देखें, 5 मई 20 जून एंड 14 जुलाई, ठीक है। इसी बीच किंग ऑर्डर द ट्रूप टू मूव इन टू द पेरिस। अब किंग पेरिस में एक ऑर्डर देते हैं कि स्थितियों को संभालो, लोग आंदोलित हो रहे हैं तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करो। लेकिन एक रूमर स्प्रेड हो जाता है कि किंग जो है ट्रूप को आदेश दे दिया है पॉइंट फायर्ड का, और एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय बास्टिल ऑन 14 जुलाई। और हम देखते हैं कि बास्टिल के किलों को एजिटेटेड पीपुल्स तोड़ डालते हैं 14 जुलाई को। 5 मई 20 जून 14 जुलाई, सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप इसे सीक्वेंस में देखो, ठीक है। नेक्स्ट, अब विलेजों में क्या हो रहा था, ये तो शहरों की बात रही। विलेज में विलेज टू विलेज रूमर स्प्रेड दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड पाउंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, ये लुटेरों के ब्रिगेंड्स, लुटेरों लठित लुटेरे जो है इसको हायर किया है जागीरदारों ने, फॉर पर्पस हु वेयर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय द राइट क्रॉप, जो भी बचा खुचा क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें, हम लोग जो इनके अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, तो हमें दबाने के लिए जो है सप्रेस करने के लिए ये लुटेरों लठितों का झुंड जमा कर रहे हैं जागीरदार, और हमारी बची खुशी क्रॉप्स को बर्बाद करना चाहते हैं। सो पिजन फियर्ड अबाउट एक्शन ऑफ मेनर, और ये सारी स्थिति डर के माहौल में हो रही है प्यारे बच्चों, ये सारी स्थिति डर के माहौल में हो रही है, ठीक है। होल कंट्री वाज इन द मूड ऑफ रिवोल्ट, पूरा देश रिवोल्ट के मूड में आ जाता है। सो दे सो पीजेंट्स आर्टिशंस वेयर अटैक ऑन चेटियो चेटेक्स, वो ग्रामीण किलों पर अटैक करते हैं, ठीक है। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न्ड, ओके, एंड बर्न्ड डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड ऑफ मेनोरियल ड्यूज और फ्यूडल ड्यूज के रिकॉर्ड्स को बर्न करते हैं, भंडारण को लूट लेते हैं वो। एंड इन दिस सिचुएशंस नोबल्स वी आर हेल्पलेस, दे फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स एंड माइग्रेट टू अदर नेबरिंग कंट्रीज, वो अपने घरों को छोड़ करके इस आतंक, इस डर के माहौल में भाग जाते हैं नोबल्स, और दूसरे नेबरिंग कंट्री में शेल्टर लेते हैं। इस सिचुएशन में लुई 16 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली, वो एक्सेप्ट करते हैं नेशनल असेंबली को और मान्यता देते हैं, एंड एक्सेप्टेड नेशनल असेंबली
और द फर्स्ट वर्क ऑफ नेशनल असेंबली वाज पावर वेयर टेकन फ्रॉम द क्लर्जी एंड द टाइट्स वेयर अब्यूज, खत्म करते हैं और क्लर्जी से पावर ले लेते हैं. इट मीन्स फर्स्ट वर्क ऑफ नेशनल असेंबली वाज एबोलिशन ऑफ द राइट ऑफ प्रिविलेज क्लास ऑन द डेट 4 अगस्त 1789 को वह प्रिविलेज क्लास के एबोलिशन कर देते हैं, राइट्स को, क्लर्जी के राइट्स को छीन लेते हैं, उससे टैक्स वसूलने के अधिकार को छीन लेते हैं, उसके लैंड को सीज कर लेते हैं. और आप जानकर हैरान रहोगे कि क्लर्जी के पास 2/5 ऑफ लैंड फ्रांस के लैंड था. मींस क्लर्जी के पास काफ़ी लैंड थी फ्रांस की. और दे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक उसी तरह डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन नेशनल असेंबली के द्वारा दिया गया. जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन भी है फ्रांस में. और मेकिंग फॉर ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस टिल 1791 तक वो एक फ्रांस को नेशनल असेंबली, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म में बदल जाता है, और वह जो है 1791 को एक नया संविधान फ्रांस के लिए दे देता है. सो इन दिस सेक्शन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलवेज आस्क इन एग्जाम, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली का क्या कार्य है, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है. प्यारे बच्चों, आप सभी इस क्वेश्चंस का आंसर नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो.